पिक्चर है जो मेरा इतना दिल का करीब है। आजाद का काम तो लाजवाब है और मैं जो भी गाना बनाया उनको ऐसा क्या मैं बोलूँ कैसे पिक्चर ऐसे ब्यूटीफुल। तो ये पिक्चर आ रहा है 14 सितंबर 2018। आप लोग और हम है साथ में और आज मीडिया को मैं सबसे बड़ी बात वही तो बोल रहा हूँ मीडिया आप लोग है बाप पिता को आप लोग प्यार करते हैं। आज तक 48 साल मैं मीडिया वाले को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। ये ऐसा एक दिन है बॉम्बे टॉकीज मैं 48 ईयर्स आई एम वर्किंग इन बॉलीवुड फिल्म आई मिस बॉम्बे टॉकीज। सब बैनर में काम किया एक भी ABCD आप कोई भी बैनर बोलिए बट मैं आज इतना आई एम सो प्राउड टुडे आई एम ओपनिंग द बॉम्बे टॉकीज जो मेरा सपना था जिसमें मैंने ये पिक्चर में राष्ट्रपुत्र में संगीत दिया है। और थैंक यू आजाद थैंक यू वेरी मच यू हैव डन अ वंडरफुल थिंग। जो हिस्ट्री है जो सब नाम लिखा हुआ है हिमांशु राय जी दुबे साहब और देविका जी मैं क्या बोलूँ ये लोग सब हिस्ट्री है। ये इसमें लीजेंड तो हम लोग सबको ही बोलते हैं ये लोग लीजेंड नहीं है ये सब क्या बोलूँ भारतीय सिनेमा का एक एक इतिहास है इतिहास ही है। इतिहास से हम लोग संगीत कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। एनी वे थैंक्स टू आजाद जी टू रिवाइवल दिस बॉम्बे टॉकीज। धन्यवाद जी की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बॉम्बे टॉकीज एक बहुत ही महान प्रोडक्शन हाउस रहा है और इस प्रोडक्शन कंपनी ने बहुत लेजेंडरी सिंगर्स एक्टर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स लिरिसिस्ट बहुत बड़े बड़े इस इंडस्ट्री को दिए हैं बॉम्बे टॉकीज ने। तो बॉम्बे टॉकीज के जो फाउंडर थे श्री राज नारायण दुबे जी श्री हिमांशु रॉय श्री सुश्री देविका रानी जी इन लोगों ने एक सपना देखा था म्यूज़िक कंपनी का जो कि पूरा नहीं हो सका म्यूज़िक कंपनी का। हालांकि जो आज की बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी है HMV 1930s के दौर में उस कंपनी को भारत में लाने का श्रेय भी बॉम्बे टॉकीज को ही जाता है जी। तालियां होनी चाहिए। 30s की बात 1934 में सारे गामा जो आज है HMV उसको भारत में लेके आने का श्रेय भी बॉम्बे टॉकीज को जाता है। और वो सपना जो है श्री राज नारायण दुबे जी का देखा हुआ सपना उनके ग्रैंड सन उनके पोते ने श्री गिरीश घनश्याम दुबे जी ने उस सपने को साकार किया बॉम्बे टॉकीज घराना नाम से म्यूजिक कंपनी लॉन्च करके। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं। कहते हैं वो बगिया है क्या जिसका माली नहीं वो जीजा ही क्या जिसकी साली नहीं वो खाना ही क्या जिसमें थाली नहीं और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली नहीं। तो तालियों से थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है। और बॉम्बे टॉकीज का जो पुनरागमन हुआ है वो एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बढ़िया फिल्म जिसका नाम राष्ट्रपुत्र देख रहे हैं आप। थोड़ा सा उधर से हो जाइए बैनर से। राष्ट्रपुत्र ये जो फिल्म है बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से बनाई हुई फिल्म है और इस फिल्म में बहुत ही होनहार सैनिक स्कूल से छात्र रहे बहुत ही होनहार और मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट श्री आज़ाद जी को बॉम्बे टॉकीज ने ब्रेक दिया है एज ए राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर इज अ मल्टी टैलेंटेड। आज़ाद जी मैं चाहूँगा थोड़ा हाथ हिलाएं आप पता लगे। और ये बॉम्बे टॉकीज ने जैसे कि लेजेंडरी लोगों को इंडस्ट्री को दिया है तो उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए एक और होनहार और टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट आज़ाद के नाम से अब आप लोगों की सेवा में बहुत जल्दी हाजिर होंगे। आदरणीय बपीदा अतिथिगण एवं समस्त पत्रकार बंधु आज भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है बॉम्बे टॉकीज ने वापसी की है साथ ही उस सपने को पूरा किया है उस अधूरे सपने को पूरा किया है जो बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक ने देखा था म्यूजिक कंपनी की स्थापना। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन जो फिल्म राष्ट्रपुत्र लेके हम लोग आ रहे हैं जो विश्व की पहली बार 26 भाषाओं में बनी फिल्म है
जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत देव भाषा संस्कृत में राष्ट्रपुत्र आने वाले 23 तारीख को चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस है। उस अवसर पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए हमने जो फिल्म बनाई है राष्ट्रपुत्र उसका मोशन पोस्टर लॉन्च करेंगे और रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। इस वक्त यह कहना ठीक है कि जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। राष्ट्रवाद की भावना सनातन भारत के गौरव की जो विचार है विश्व के कोने कोने पहुंचाने के प्रयास में हम लोग लगे हैं, जिसकी पहली परिणति है राष्ट्रपुत्र। और महत्वपूर्ण है कि आज का दिन बॉम्बे टॉकीज के लिए ऐतिहासिक दिन है, उसके लिए ही कहूँगा कितने सालों बाद पुनर्वापसी बॉम्बे टॉकीज ने की है तो उसकी ये यात्रा अनंत काल तक निर्बाध रूप से चलती रहे ये मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। आज एक ऐसा खुशी का क्या मैं बोलूँ, बस इतिहास फिर से रिपीट हो रहा है अगेन बॉम्बे टॉकीज। तो मैं आज ये हनुमान चालीसा का बाद में देखिए रोमांटिक गाना गाना अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये पिक्चर का सुपर टूपर हिट गाना है जो अमिताभ जी और आशा जी सब लोग गाए थे। थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, ओ ना कहूँ से दोस्ती नहीं किसी से वैर, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दुनिया वाले कुछ भी समझे हम है प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने, दे दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे बॉम्बे टॉकीज को, प्यार दे आजाद को, प्यार दे। और नया जो गिरीश घनश्याम दुबे का जो बॉम्बे टॉकीज घराना उनको भी प्यार दीजिए। धन्यवाद, दुआ चाहिए आप लोगों से। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आइज 24 न्यूज। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon for future notifications, click on the like button, must do share the link, thank you.